हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? यस सर, यस सर। ओके ठीक।
स्टार्ट करें? ओके ठीक है. सो कुछ डाउट्स है क्या? पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं. डाउट है किसी को कोई? नहीं है क्या किसी को? कंटिन्यू करें आगे. ठीक है. सो अभी लास्ट पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो कि देखो अभी तक हम जितने भी सॉल्ट पढ़ रहे थे वो फुली सॉल्युबल सॉल्ट थे, फुली आयनाइज सॉल्ट, कि उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में लेते थे. नाउ कम्स पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट, जिनको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी बोलते. ओके यस सर. तो इनके लिए हम यहाँ पर अभी डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो जिसे हम केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए डिफाइन किया जाता है. ओके, मतलब किसी सॉल्ट का अगर केएसपी दिया है ना, केएसपी सॉल्युबल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो अगर किसी सॉल्ट का केएसपी दिया है तो इसका मीनिंग ये है कि वो सॉल्ट कैसा है, पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट. ओके यस सर. सॉल्युबिलिटी देखो क्या होता है, किसी भी सॉल्ट को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका कितना अमाउंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व हो रहा है वही उसका सॉल्युबिलिटी हो जाता है. ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म, अच्छा वॉटर कितना, वन लीटर. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म वन लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म वन लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. क्लियर है सभी को? यस सर. ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी हो गया. नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है वो भी बताता, लिखो पहले. लिख लिया सबने? हो गया? यस सर. ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी था ना. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? तो देखो यार, हमारे पास कोई सॉल्ट अगर है, जैसे मान लो सॉल्ट है अपने पास ए बी, ठीक है, अब ये पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है तो यहाँ पर फुली आयनाइज्ड ये नहीं होगा या पूरी तरह डिसोसिएशन नहीं होगा, तो हम यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन डालेंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये. तो इसको हमने जब वाटर में डिजोल्व किया तो हमारे पास आयन्स आए, ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस, ठीक है, ये दोनों आयन आए. अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा यार? इट इज ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए बी कॉन्सेंट्रेशन,
लेकिन यार ए बी तो सॉलिड है ना, क्या सॉलिड, तो सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कॉन्स्टेंट रहता है ना, सॉलिड है लिक्विड का। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस ए बी कॉन्सेंट्रेशन को और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, या हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी कॉन्सेंट्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन ये आ गया, क्लियर है? Yes, तो ये अभी देखो नया कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू एबी जो है एक नया कांस्टेंट आ गया। इस नए कांस्टेंट को ही हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, ये जो नया कांस्टेंट आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या हो गया, बी नेगेटिव, क्लियर है क्या? ओके, तो जो KSP है या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है उसके एक्सप्रेशन में जस्ट आयंस को लिखा जाएगा। ओके, जो सॉल्ट है उसको नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्ट है AXBY, मान लो ये सॉल्ट है, ये जब वाटर में हमने डिजोल्व किया तो हमारे पास दो आयन आए इसके, एक तो आ गया AY पॉजिटिव आयन और दूसरा आ गया BX नेगेटिव आयन। ये दो आयन आए हमारे पास, ठीक है? और ए के कितने आयन मिले होंगे, ए के एक्स आयन मिले होंगे और बी के कितने आयन मिले होंगे भाई, है ना? तो अब देखो इसका केएसपी का एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे हमने बताया कि हम जस्ट किसको लिखते हैं, आयन्स को लिखते हैं, मतलब एक तो ए वाले आयन को लिखेंगे, दूसरा बी वाले आयन को, ठीक है? लेकिन यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आता है ना। तो यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का एक्स है और बी का क्या है, y, ठीक है? तो पावर में x एंड y भी आएगा, मतलब क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, सो ay पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट x, सिमिलरली bx नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट y, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप से हम ksp का एक्सप्रेशन लिखेंगे। लिखो, फिर आगे चलते हैं। सबका हो गया? ओके, तो ये हमारे पास हो गया सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो ये जो यूनिट है सॉलिबिलिटी की, तो यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी, तो हमने क्या बोला कि यार कितना अमाउंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब कितना अमाउंट वाटर में डिजोल्व हो रहा है जिसकी वजह से 1 लीटर सॉल्यूशन बने। तो इसके लिए मेनली जो यूनिट हम यूज करेंगे वो होती है मोल पर लीटर, ठीक है? 1 लीटर में कितना मोल डिजोल्व हुआ, क्लियर है क्या? इसके अलावा एक और यूनिट यहां पर यूज कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर। ओके, सो मोल पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर। अब मेनली जो यूनिट यूज करेंगे वो कौन सी है, मोल पर लीटर या मोलार वाले, ठीक है? तो अगर मान लो हमें मोल पर लीटर वाले यूनिट में सॉलिबिलिटी पता है तो ग्राम पर लीटर में निकाल सकते हैं, कैसे? देखो, तो सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, अगर तुम्हें
मोल पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी जो है वो पता है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलार मास से मल्टीप्लाई करना, उससे तुम्हें ग्राम पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी मिलेगी। बेसिकली तुमको क्या है कि यार मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी पता है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पता है कि 1 लीटर में कितना मोल डिजॉल्व हो रहा है। ओके, तो अगर मान लो 1 लीटर में 2 मोल डिजॉल्व हो रहे हैं किसी के, तो कितने ग्राम डिजॉल्व होंगे यार, जस्ट मल्टीप्लाई में मोलार मास कर देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही? क्लियर है ना? ओके, तो अब देखो सॉल्युबिलिटी जो है ये किसी भी सॉल्ट की चेंज हो सकती है अलग अलग सॉल्यूशन, लेकिन केएसपी तो एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। केएसपी क्या था? इट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू एबी कंसंट्रेशन लिखा था हमने, तो एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक ही फैक्टर की वजह से चेंज होता था, कौन सा था फैक्टर? वो टेम्परेचर है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्यूशन बट केएसपी जो कि क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ही केएसपी चेंज होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या ये? लिखो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो अब देखो ये केएसपी और सॉल्युबिलिटी जो है इसमें रिलेशन आता, तो रिलेशन क्या होगा देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड एस सॉल्युबिलिटी। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कोई सॉल्ट है AXBY, इसको हमने डिजोल्व किया, तो हमारे पास एक तो ए वाई पॉजिटिव के आयन आ गए एक्वस है ब्रैकेट में, और दूसरा बी एक्स नेगेटिव के आयन आए। ए के कितने आयन आएंगे? एक्स आयन आएंगे, और बी के कितने आयन आएंगे? वाई आएंगे। तो अब देखो यार, अगर इस सॉल्ट का सॉलिबिलिटी एस है, इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी क्या है S, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में इसके S मोल ही डिजॉल्व हो। ओके, तो अगर इसके S मोल डिजॉल्व होंगे तो A के कितने मोल बनेंगे बताओ? ठीक है, इसको तुम चलो ऐसे सोचो कि हमारे पास जैसे मान लो CaCl2 है, ठीक है, CaCl2 तो पूरी तरह डिजॉल्व होता है ना, तो मान लो उसका उसका सॉल्युबिलिटी मान लो 2 है ना, या हमने मान लो उसके 2 मोल लिए, तो उससे CA के कितने मोल बनेंगे? 2, और Cl के कितने मोल बनेंगे?
चार बनेंगे ना, ठीक है। तो वैसे ही हम बोलते हैं यार ये जो सॉल्ट है इसका सॉल्युबिलिटी अगर एस है, इसका मतलब क्या है कि इसके वन लीटर में एस मोल डिजोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास लेकिन एक के कितने आयन बन रहे हैं, एक्स इंटू एस बन रहे हैं ना, एक्स टाइम्स बन रहे हैं ना एक्स इंटू ए, है ना। तो इसके जो मोल आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स इंटू एस आए। सिमिलरली इसके कितने यार मोल्स आने चाहिए, वाई टाइम्स आने चाहिए ना, ठीक है। तो इसके मोल्स आ जाएंगे वाई इंटू एस, ओके। तो हमारे पास के एस पी जो है वो क्या होगा, तो इसका के एस पी क्या है, इट इज ए वाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन। सिमिलरली बी एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन बताओ क्या है, देखो काफी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, काफी लोग क्या बोलते हैं कि एक्स इंटू एस जो है वो एक्स ए का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन एस होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्चुअली किसका, ए का ही है ना, एक्स इंटू ए का थोड़ी है। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल बताया कि यार सी ए टू पॉजिटिव प्लस टू सी एल नेगेटिव, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर टू आया इसका फोर आया, तो सी एल नेगेटिव का हम क्या लेंगे, फोर लेंगे कि टू लेंगे, सी एल नेगेटिव का फोर है ना, ये टू सी एल नेगेटिव का फोर थोड़ी है, टू तो जस्ट बैलेंसिंग के काम आया होगा ना, या उसी से हमें पता चलेगा कि सी एल के कितने बनेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है कितना है, एक्स इंटू एस है, रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन। सिमिलरली बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यार, वाई इंटू एस हो गया, रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन। तो ये क्या आ गया, दिस इज एक्स रेस टू एक्स, इसके अलावा वाई रेस टू वाई, एंड देखो एस रेस टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इस टाइप से हम के एस पी और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे किसी भी सॉल्ट का, क्लियर है सबको। हो गया सबका, yes, sir. तो देखो ये तो हमने एक जनरल इक्वेशन बता दिया, अब अलग अलग टाइप के सॉल्ट ले लेते हैं और उनका देखते हैं केएसपीएम कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो जैसे हमारे पास AgCl मान लो, तो AgCl को हमने डिजॉल्व किया, तो उसका आयन आ गया, एक तो आ गया Ag पॉजिटिव और दूसरा आ गया सीएल नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो इसका अगर सॉल्युबिलिटी एस है तो एजी पॉजिटिव का कितना बनेगा, एस बनेगा, और सीएल नेगेटिव का भी क्या बनेगा, एस बनेगा, है ना। तो केएसपी क्या होना चाहिए यार इसका, इट शुड बी एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एस है, और सीएल नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या, वो भी एस है। तो केएसपी क्या हो गया, ठीक है। सिमिलरली मान लो हम बात करते हैं PbCl2 की, तो PbCl2 जो है उसका आयन कौन कौन सा, एक तो हो गया Pb2 पॉजिटिव, ये आयन मिलेगा हमें, और दूसरा कौन सा मिलेगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो अगर इसका सॉलिबिलिटी ऐसा, तो Pb2 पॉजिटिव का कितना आएगा, ऐसा आएगा, और Cl नेगेटिव का कितना आएगा बताओ, ऐसा आएगा। तो KSP क्या होगा, इट शुड बी Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेस टू टू, ये हम बोल सकते हैं S इंटू टू एस रेस टू टू, दैट इज नथिंग बट 4S3, क्लियर है क्या, yes. तो इस टाइप से हम KSP और
सॉलिबिलिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं किसी भी पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट का। हो गया सबका? ओके, तो इसी टाइप से एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है सॉल्ट HgCl2, तो इसको जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो हमारे पास एक आयन आ गया Hg2+ और दूसरा आयन आया Cl आगे। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो Hg2+ S मिलेगा और Cl-2S मिल जाएगा। तो KSP विल बी Hg2+ इंटू Cl-2। वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी S इंटू 2S-2। हम बोल सकते हैं क्या हो गया? ओके अच्छा, अगर हम बात करते हैं Hg2Cl2 की, तो ये कैसे आयनाइज होगा कोई बता सकता है? देखो काफी लोगों को लगता है कि यार ये कुछ इस टाइप से आयनाइज होना चाहिए, ऐसे ही लगता है क्या? ऐसे ही होना चाहिए Hg+2+2Cl-। देखो Hg के एक्चुअली दो हमारे पास वैलेंसी, एक था Hg+1 और एक है Hg+2। तो ऊपर वाला था Hg+2 वाला हो गया एंड ये Hg+1 वाला है। लेकिन यार क्या है कि ये जो Hg+1 है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी Hg+1 एग्जिस्ट करेगा वो कुछ इस फॉर्म में करेगा। देखो Hg2+2, ओके ये एक्चुअली Hg+1 ही है बट ये एग्जिस्ट ऐसे करेगा Hg2+2। समझ आया क्या? ओके तो Hg2Cl2 ऐसे आयनाइज होगा। यहाँ पर एक जनरली मिस्टेक कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि Hg+1 मतलब हमारे पास ऐसे 2Hg+1 टाइप आना, लेकिन ऐसे नहीं आता। ओके तो इट शुड बी Hg2+2। तो अगर सॉलिबिलिटी ऐसे है तो यहाँ पर भी सेम टाइप से हम बोलेंगे कि यार Hg2+2 मिलेगा S और Cl- मिलेगा 2S। तो KSP क्या होगा? तो KSP विल बी Hg2+2 इंटू Cl-2 एंड दैट विल बी S इंटू 2S-2, जो कि क्या हो गया 4S3। क्लियर है सभी को? ओके तो इस टाइप से हम KSP और सॉलिबिलिटी के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। ओके लिखो फिर आगे चलते हैं। That's it.
हो गया सबका? यस सर। ओके ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। एक्सेस केएसपी ऑफ ए टू बी थ्री, ए टू बी फाइव ले लेते हैं। एक्सप्रेस के एस पी ऑफ ए टू बी फाइव इन टर्म्स ऑफ सॉलिबिलिटी। तो के एस पी निकालो ए टू बी फाइव का इन टर्म्स ऑफ सॉलिबिलिटी। आ गया आंसर। तो देखो ए टू बी फाइव विल गिव ए फाइव पॉजिटिव एंड बी टू नेगेटिव, है ना। तो ए के कितने आए आएंगे, दो आए आ जाएंगे, और बी के कितने आएंगे, पांच। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी एस है तो ये कितना मिलेगा, ए कितना मिलेगा, टू एस।
और बी कितना मिलेगा यार? 5S. ठीक है, तो KSP क्या होगा? ये होगा A की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या है 2. सिमिलरली B कॉन्सेंट्रेशन मतलब B2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या है 5. तो क्या आ गया ये? दिस इज 2S रेस टू 2 एंड 5S रेस टू 5. तो कितना आ जाएगा ये 4 हो गया और ये वाला कितना हो गया यार? ये वाला 4 × 25 × 25 × S^7 यही आएगा ना, दैट इज 12500 × S^7 यही आया सबका, यही आ रहा होगा ना. एक और 5 मल्टीप्लाई करना, एक मिनट, बट आंसर यही होगा ना. यस सर. या एक और 5 मल्टीप्लाई होगा बट आंसर वही है. तो इट शुड बी 4 × 25 × 25 × 5 या है ना. तो 12500 × S^7 सबका यही आया क्या? सर ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन मॉड्यूल से लेते हैं. मॉड्यूल है ना सबके पास? तो मॉड्यूल में नहीं है सर. नहीं है मॉड्यूल? नहीं सर. अरे लेके तो आते हो हर बार, तो अपन सॉल्व कराते हैं ना. नहीं लेके आए? लेके आए कि नहीं लेके आए हो? सर सबके पास नहीं है. आप शेयर कर लेना ना एक दूसरे के साथ. ग्रुप पे सेंड करूं क्या? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन लिख दूँ ना. तो ये है एक्चुअली क्वेश्चन है पेज नंबर 107. एंड क्वेश्चन नंबर है 31. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एसपी ऑफ M2X3 जो है इज 2.2 × 10⁻²⁰. ठीक है, ये हमें दिया. इफ सॉलिबिलिटी ऑफ अनदर सॉल्ट हैविंग फॉर्मूला M2X is twice the solubility of M2X3, then determine KSP of M2X. ओके, तो यह है क्वेश्चन, सॉल्व करो.
आया किसी का आंसर? सर अप्रोक्सीमेटली 4.5 × 10⁻¹². मैच कर रहा है क्या? 4.5 × 10⁻¹² क्या बोले? माइनस 12। अबे इतना वैल्यू कोई है ही नहीं भाई ऑप्शन में। क्या बोल रहे हो? कराएंगे सॉल्व? हाँ सर। देखो तो हमें केएसपी दिया है M2X3 का, तो उस वो देगा M3 पॉजिटिव एंड X2 नेगेटिव, है ना। तो M के 2 आयन आएंगे और X के 3 आयन आएंगे। मान लो इसका सॉल्युबिलिटी S1 है, तो ये 2S1 मिल जाएगा और ये 3S1 मिल जाएगा। तो KSP क्या हो गया? इट इज 2S1 का स्क्वायर एंड 3S1 raised to 3। तो क्या आ गया? 4 × 27, है ना। 4 × 27 × S1 raised to 5 यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले निकालना है कि S1 क्या होगा। ऑब्वियसली फिफ्थ रूट आएगा। एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, है एम्स 2009 में आया। तो S1 यहाँ से क्या होगा? तो S1 इज KSP अपॉन 27 × 4 कितना? 108 ना, एंड देन इसका फिफ्थ रूट। तो KSP कितना दिया था? KSP दिया था 2.2 × 10⁻²⁰ − 20। 2.2 × 10⁻²⁰ − 20 फिफ्थ रूट निकालना। तो हमें क्या है, पावर को 5 मतलब 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा ना, तो उसे थोड़ा इजी पड़ेगा। तो 5 का मल्टीपल अभी क्या करें, कैसे करते हैं? 25 कर दें पावर को। तो अगर पावर को 25 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2200, एक और जीरो लगेगी ना, यस, × 10⁻²⁵ डिवाइड बाय 108, एंड देन इसका फिफ्थ रूट। तो पावर तो हमारे पास आएगी 10⁻²⁵, है ना। इसके अलावा ये वाला पार्ट कितना आएगा यार? ये अपने पास देखो अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो गया था, ये वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये 2000 हुआ था ना, अप्रोक्सीमेटली 2000 हुआ था ना। तो 2000 का फिफ्थ रूट क्या होगा यार? मेरे ख्याल से पावर से आंसर आ जाएगा। वैसे अगर एग्जैक्ट निकालना तो एग्जैक्ट निकाल सकते कैलकुलेटर से, बट पावर जो है उसी से आंसर आ जाएगा। 10⁻²⁵ इसका आ रहा है, वो इसका जस्ट 2 टाइम्स होगा। तो मेरे ख्याल से 10⁻²⁵ 15 वगैरह में जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। तो कितना आ रहा है वैसे? फिफ्थ रूट वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, कैलकुलेटर से 4.58 आया। तो ये हमारे पास आ गया S2। ओके, दिस इज S2। तो दूसरा वाला जो है उसका सॉल्युबिलिटी क्या है? उसका सॉल्युबिलिटी बोला है 2 times बोला है ना, M2X का। यस सर। M2X का सॉल्युबिलिटी इज 2 times ऑफ दिस। तो इसका 2 times कितना हो गया? S2 इज इक्वल टू 2S1। इसका 2 times हो गया 9.17 × 10⁻¹². ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या है? मोलार वाला है ना। हम जो सॉल्युबिलिटी अभी तक लेके आए हैं उसका यूनिट मोलार वाला है। जैसे मैंने बताया था, जनरली हम जो यूनिट यूज करेंगे मोल वाले ही करेंगे। और ये जो हम बताते हैं यार कि इसका एक्स मोल बनेगा, इसका वाई मोल बनेगा, वही बता रहे ना। तो वही मोलार वाली यूनिट है ना। तो ये 4.58 × 10⁻¹⁵ फर्स्ट वाले का था, सेकंड वाले का सॉल्युबिलिटी हो गया ये।
और सेकंड वाला सॉल्ट था क्या यार, इट वॉज एम टू एक्स है ना, तो एम टू एक्स जो है ये कैसे आयनाइज होगा, तो इट विल गिव एम पॉजिटिव एंड एम पॉजिटिव के दो आयन और एक्स टू नेगेटिव का एक आयन, ऐसे ही आयनाइज होगा ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस टू है तो ये हमें मिलेगा टू एस टू और ये मिलेगा एस टू है ना, तो के एस टी क्या होगा, इट विल बी टू एस टू का स्क्वायर एंड देन एस टू, तो क्या आ गया फोर एस टू क्यूब आ गया। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, तो दिस इज 9.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 रेज टू 3, क्या आ रहा है यार, माइनस 12 वाला आएगा ना, 10 रेज टू पावर माइनस 12 वाला मैच करेगा, आई थिंक ये ऑप्शन मैच कर रहा होगा मोस्टली, हाँ सो ये आ रहा है एक्चुअली 3094 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15, जो कि क्या हो गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 हुआ ना, ओके सो ए ऑप्शन मैच करेगा। तो जैसे मैंने बताया पावर से ही हम जनरली देख पाएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा है ना, यहाँ पर हम देख सकते थे 10 रेज टू पावर माइनस 15 पावर हो रहा है, इसके अलावा इसकी वजह से भी पावर कम हो जाएगी है ना, तो ज्यादा कम नहीं होगी, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते थे कि जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन वाला हो। क्लियर है क्या सबको, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने यहाँ पर जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा, जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया वो भी कैलकुलेटर से किया, फिफ्थ रूट तो वैसे भी निकालना डिफिकल्ट है ना, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन कर देना चाहिए और यहाँ पर पावर जो है उससे तुम्हारा आंसर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर तुम साफ साफ देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन जब इसका क्यूब लेंगे S2 के टाइम हम डबल कर रहे हैं ना, S2 इज डबल टू टाइम्स ऑफ S1 है ना, एंड देन उसका क्यूब भी लेंगे तो ये तो 10 पावर माइनस 15 हो जाएगा इसका क्यूब तो है ना, लेकिन साथ में इसकी वजह से जो दूसरा वाला पावर है मतलब दूसरा वाला पार्ट है उसका भी क्यूब होगा, तो उसका क्यूब होगा तो उसकी वजह से जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके थोड़ी सी डिक्रीज होगी, तो मैचिंग आंसर कौन सा होगा फिर 10 रेज टू पावर माइनस 15 होगा। क्लियर है क्या, ठीक है, तो इस टाइप से तुम अप्रोक्सीमेशन वगैरह कर सकते हो। चले आगे, हाँ ठीक है, ये वाला लिखा है, ये वाला इसके थोड़ा नीचे, सर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये देख लो, ये वाला लिख लो,
हो गया क्या? हाँ सर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अभी। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन फर्स्ट में वाटर, सेकंड में 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन, थर्ड में है 0.1 मोलार CaCl2 सॉल्यूशन एंड फोर्थ में है 0.5 मोलार AgNO3 सॉल्यूशन। इन सभी में AgCl का केस मतलब सॉल्युबिलिटी निकालो। KSP जो है AgCl का ये होता है 2×10⁻¹। ठीक है, तो चारों सॉल्यूशन में AgCl का KSP सॉल्युबिलिटी निकालो। ये CaCl2 है ना, CaCl2। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? सर डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। सो क्वेश्चन लिखा ना सभी ने? ठीक है, सॉल्व करो।
तो देखो AgCl का हमें सॉलिबिलिटी बताना है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में. तो सबसे फर्स्ट जो है वो कौन सा है? सबसे फर्स्ट वाला वाटर है, ठीक है. तो वाटर में तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब जैसे होता है वैसे ही होगा. तो AgCl जो है ये आयनाइज होगा, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल है इसमें. तो ये कुछ इस टाइप से दो आयन दिए इसमें. तो इसमें मान लो सॉल्युबिलिटी S1 है वाटर में, तो ये दोनों आयन हमें S1 S1 मोलार मिल जाएंगे. तो KSP क्या आएगा? इट विल बी Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज S1 एंड Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑल्सो S1. तो क्या हो गया ये? दिस इज S1 स्क्वायर. तो S1 क्या आएगा? इट इज रूट ऑफ KSP या फिर 2 × 10⁻⁻¹ का रूट. सो 1.414 × 10⁻⁵. क्लियर है सभी? यही आया सबका? सो दिस इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर. अब देखो इन सेकंड वन हमारे पास क्या है, AgCl जो है उसको हम ले रहे हैं NaCl के सॉल्यूशन. तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव जो है वो मिला हमें एंड Cl नेगेटिव मिला, लेकिन सॉल्यूशन में NaCl भी है. अब NaCl जो है क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, है ना? तो ये पूरी तरह आयनाइज होगा. अब NaCl हमने बोला 0.1 मोलार बोला ना. अब देखो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी. अब इसको मतलब एक तो कोई वैसे ही अगर ऑप्शन में हमें पूछ लेता कि यार किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, AgCl के वाटर में ज्यादा होगी या NaCl में ज्यादा होगी? तो देखो क्या है, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव आ रहा है ना, है ना? तो उस वजह से फर्स्ट वाली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी? बैकवर्ड जाएगी. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव कम हो जाएगा ना पहले वाले के कंपेरिजन में, ठीक है. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो सॉल्युबिलिटी मिलेगी वो पहले से कम मिलेगी, ठीक है. मान लो अभी सॉल्युबिलिटी जो आ रही है वो S2 आ रही है, ओके. सॉल्युबिलिटी इस केस में मान लो है S2 एंड हमें पता है NaCl का 0.1 मोल आ रहा है, तो Na पॉजिटिव भी 0.1 होगा और Cl नेगेटिव भी 0.1 होगा. लेकिन अब देखो टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया सॉल्यूशन में, AgCl से S2 मिल रहा है और NaCl से 0.1 मिल रहा है. तो टोटल कितना आएगा यार? टोटल इज S2 प्लस 0.1 क्या, ठीक है. तो टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हम दोनों जगह क्या लिख सकते हैं, S2 प्लस 0.1, है ना. S2 AgCl से मिला और 0.1 NaCl से मिला. क्लियर है क्या सबको? ठीक है. तो अब देखो KSP क्या है, तो AgCl का KSP क्या है यार? इट इज Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, है ना. तो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो हमें कितना मिल गया यार इस केस में? इट इज S2, है ना. एंड Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है यार? इट इज S2 प्लस 0.1, है ना. ठीक है. अब देखो हमें तो यार पता है कि S1 जो है वो इतना था, है ना. S1 इतना था और S2 तो इससे भी कम आएगा, है ना. तो S2 की वैल्यू तो छोटी हो जाएगी ना काफी, और ऑब्वियसली वो S2 की जो वैल्यू है वो 0.1 से भी छोटी होगी, होगी कि नहीं? S2 विल बी वेरी वेरी लेस देन 0.1, ये 0.1. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, S2 प्लस 0.1 को 0.1 ले सकते हैं. यहाँ पर S2 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ओके. सो KSP क्या आएगा यार? KSP विल बी S2 इंटू 0.1. तो S2 क्या हो गया? इट विल बी KSP अपॉन 0.1. ये हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹⁰ - 10 / 0.1. कितना आ गया ये? दिस इज 2 × 10⁻¹⁹. क्लियर है क्या सबको? समझ आया ये सब? सबको समझ आया क्या? ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ क्या आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, उसकी वजह से रिएक्शन क्या चली गई है, बैकवर्ड चली गई है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई. ओके. सेम टाइप से हमारे पास सेकंड मतलब नेक्स्ट वाला भी है, CaCl2 वाला. तो CaCl2 भी क्या होता है, फुली आयनाइज होता है. ओके. तो थर्ड वाले में कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव आएगा फिर से.
तो वहां पर AgCl will give Ag positive and Cl negative and CaCl2 जो है it will give Ca2 positive and 2Cl negative. अब देखो यहां पर मान लो solubility S3 है और CaCl2 का 0.1 मोलार था तो Ca2 positive 0.1 मिलेगा, Cl negative क्या मिलेगा 0.2 मिलेगा, है ना. तो टोटल Cl negative will be S3 plus 0.2 क्या लास्ट टाइम की तरह, है ना. सेकेंड वाली रिएक्शन से 0.2 तो टोटल Cl नेगेटिव विल बी S3 प्लस 0.2. तो KSP क्या होगा, तो KSP विल बी Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज S3 इनटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज S3 प्लस 0.2. तो S3 जो है हमें पता है इट इज वेरी वेरी लेस देन 0.2. तो S3 प्लस 0.2 क्या हो गया यार, it is 0.2. okay, so S3 क्या आ गया, S3 into 0.2 आ गया ना. तो S3 क्या होगा यार, it is KSP upon 0.2. KSP is 2 into 10 raised to power minus 10 divided by 0.2. कितना आ गया ये, that is 10 raised to power minus 9 ना. clear आ गया सबको. ओके सर, हाँ बोलो, कुछ डाउट है क्या. क्या बोल रहे हो, बच्चे बोलो. समझ नहीं आ रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो. तो S3 क्यों नहीं लिखा. नहीं यार देखो, AgCl जो है ना उससे हमें Cl नेगेटिव S3 मिला है, ओके, और CaCl2 से जो Cl नेगेटिव मिला है 0.2 मिला है. तो टोटल Cl नेगेटिव कितना हुआ, S3 प्लस 0.2 हुआ ना. ये वही वाली चीज हो गई. फिर से तुम वही कर रहे हो कि हमारे पास सर ये Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है S3, तो 2Cl नेगेटिव का तो 2 टाइम्स ऑफ S3 हो जाएगा. ऐसा नहीं ना, ये S3 जो है Cl नेगेटिव का ही है ना, 2Cl नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं ना यार. यस सर, ठीक है. फर्स्ट रिएक्शन से Cl नेगेटिव S3 आ रहा है और सेकेंड से Cl नेगेटिव 0.2 आ रहा है ना. तो टोटल Cl नेगेटिव क्या हो गया यार, S3 प्लस 0.2 हो गया. क्लियर है क्या. हाँ, तो ये हमारे पास हो गया AgCl का इन CaCl2 सॉल्यूशन. नाउ यहाँ पर भी कॉमन इफेक्ट किसका आया, Cl नेगेटिव का आया, ठीक है. एंड इन द लास्ट वन हमारे पास Ag पॉजिटिव का कॉमन इफेक्ट आएगा. वहां पर हम AgNO3 सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं, तो AgCl विल गिव Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड AgNO3 will give Ag positive plus NO3 negative, ठीक है. AgNO3 भी fully soluble salt है. अब यार काफी लोगों को ये doubt होता है, सर हमें कैसे पता है कौन सा fully soluble है या कौन सा partially soluble है. तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि KSP जब किसी का दे दिया जाता है तो partially soluble salt होता है, लेकिन अगर KSP नहीं दिया मतलब fully soluble salt ही होगा, ओके. तो AgCl जो है उसका मान लो यहाँ पर सॉलिबिलिटी आ गया S4, तो Ag पॉजिटिव S4 मिलेगा, Cl नेगेटिव S4 मिलेगा. इसके अलावा AgNO3 कितना लिया हमने, 0.5 लिया ना, तो उससे Ag पॉजिटिव 0.5 आएगा और NO3 भी 0.5 आएगा. अब फर्स्ट रिएक्शन से भी Ag पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड से भी आ रहा है, तो टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे बताओ यार, ठीक है. S4 प्लस 0.5 लेंगे ना, तो दोनों जगह हम S4 प्लस 0.5 ले लेंगे. क्लियर है सबको. तो KSP क्या हो गया यार, इट विल बी Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज S4 प्लस 0.5, ठीक है. एंड यहां पर भी ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुआ तो सेम चीज करेंगे एंड इनटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज S4, ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली S4 जो है इसकी वैल्यू 0.5 से बहुत छोटी होगी ना, ठीक है. तो S4 प्लस 0.5 को क्या लेंगे यहां पर, 0.5 ले लेंगे, ओके.
तो जीएसटी क्या आ गया, इट इज 0.5 इंटू एस फोर, तो एस फोर क्या आएगा, इट इज केएसपी अपॉन 0.5। तो केएसपी क्या था, इट वॉज 2 इंटू 10^-10 एंड डिवाइड बाय 0.5, तो कितना आ गया ये, दिस इज 4 × 10^-10 बोला। क्लियर है क्या सबको? यस ठीक है, किसी को भी डाउट है क्या? नहीं ना, ठीक है तो लिखो फिर आगे चलते। फर्स्ट पेज दिखाएं, लिख लिया सबने? यस सर। ये वाला लिखो, हो गया नेक्स्ट लिख लो। हो गया? यस सर। नो सर या यस सर? यस सर। सर हो गया। ओके।
ओके तो अब देखो मतलब क्या है कि कई बार तुम्हें ऐसे यहाँ पर दिया जा सकता है कि यार कोई पर्टिकुलर सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें मैक्सिमम होगी या किसमें मिनिमम होगी, तो यहाँ से तुम देख सकते हो ना मतलब किस केस में रिएक्शन सबसे ज्यादा बैकवर्ड जा रही है उस केस में सॉल्युबिलिटी जो है सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, क्लियर है क्या? और सबसे ज्यादा बैकवर्ड कब जाएगी, जब कॉमन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है सबसे ज्यादा हो गई। ओके जैसे यहाँ पर हमने चार केस लिए, तो चार केस में कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कौन से केस में हुई, लास्ट केस में हुई ना, 0.5 मोलार हो गई थी, है ना, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे कम हो गई। ओके अच्छा वो वाला पार्ट वैसे तुम्हारे इसमें सिलेबस में नहीं है, बट NH3 जो है होता है NH3 अमोनिया सॉल्यूशन, उसमें AgCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, कोई बता सकता है उसका रीजन क्या होगा? AgCl जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है अमोनिया सॉल्यूशन में बढ़ जाती है, उसका रीजन क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? क्या है जब कॉमन आयन आ जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास ये AgCl के आयन्स बने Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो अगर किसी से फर्दर रिएक्ट कर जाए, वो किसी से क्या है फर्दर रिएक्ट कर जाए, तो लीकेट क्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी यार, ठीक है? तो यस यही चीज होती है जब हम NH3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। NH3 एक्चुअली पता है क्या करता है, NH3 सॉल्यूशन के साथ ये जो Ag पॉजिटिव है ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है इन NH3 सॉल्यूशन, ठीक है? तो Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी, और फॉरवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्लियर है? तो अगर कॉमन आयन आया तो सॉल्युबिलिटी, हेलो हेलो यस सर आवाज आ रही है? हाँ तो जो हमने बताया वो क्लियर है क्या, कि अगर कॉमन आयन हमारे पास आया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर आयन फर्दर रिएक्ट कर गए तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर है? ठीक है तो ब्रेक चाहिए क्या? ठीक है तो चलो ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, एंड आफ्टर ब्रेक आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर लेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी देखो क्या होता है, अभी हम यहां पर जैसे AgCl का सॉल्युबिलिटी निकाला था इन NaCl AgNO3 या CaCl2, तो वहां पर क्या था, एक तो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट था AgCl, उसका हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे थे इन फुली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना? लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही सॉल्ट जो है वो पार्शियली सॉल्युबल हो, तो अगर दोनों ही सॉल्ट पार्शियली सॉल्युबल हो तो ऐसे केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी उसको साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? मतलब हमारे पास AgCl तो फुली सॉल्युबल था, और NaCl फुली सॉल्युबल था, तो एक फुली सॉल्युबल था एक पार्शियली, लेकिन अगर दोनों ही पार्शियली होते तो फिर उस सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोलते थे, उसको हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट
इन ए मिक्सचर ऑफ पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन ए मिक्सचर ऑफ पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, तो हमारे पास अभी मिक्सचर में या सॉल्यूशन में क्या है, पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है सारे, और अब उनकी जो सॉल्युबिलिटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बोलेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, वहीं से तुम्हें और क्लियर होगा. एक कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgSCN एंड AgBr, दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकालो. दोनों का हमें KSP दिया है, KSP ऑफ AgSCN जो है इट इज 10^-12 एंड KSP ऑफ AgBr जो है इट इज 5×10^-30. ओके, सो दोनों का हमें KSP दिया है, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होगा दोनों का निकालो. मतलब अभी सॉल्यूशन में क्या, दोनों सॉल्ट है, AgSCN भी है और AgBr भी है, तो दोनों का सॉल्युबिलिटी निकालो.
आया सबका? तो देखो हमारे पास यहाँ पर है ये पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgSCN जो है Ag पॉजिटिव प्लस Na नेगेटिव एंड AgBr विल गिव Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। आवाज आ रही सभी को? तो व्हाट इज टोटल एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन? देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन से एजी पॉजिटिव एस वन आ रहा है, सेकंड से एस टू, तो टोटल एजी पॉजिटिव कितना हुआ यार? एस वन प्लस एस टू क्या? ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में हम एजी पॉजिटिव का एस वन प्लस एस टू लिख देंगे। नाउ फर्स्ट रिएक्शन का या AgSCN का कितना था? KSP इट वाज 10^-12 है ना, ये होना चाहिए Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू S नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हो गया ये S1 प्लस S2 इनटू S1 इज इक्वल टू 10^-12 इक्वेशन 1। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड रिएक्शन का क्या है? KSP it is 5×10^-13, it is Ag positive concentration into Br negative concentration, Ag positive ho gaya S1 plus S2 into Br negative is S2, so yahan se 5×10^-13, theek hai, this is equation 2, clear hai sabhi ko? Yes sir. ओके अब देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें S1 एंड S2 निकालना है, तो क्या करें? फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 1/2 करेंगे तो क्या आएगा यार? तो S1 by S2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आएगा? 10^-12 डिवाइड बाय 5×10^-13 यही आएगा, जो कि क्या हो गया? 2 हो गया ना, है ना? तो ये हमारे पास आ गया S1 is 2 × S2, है ना? Yes sir. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते किसी में S1 × S2 को, ओके मान लो फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके तो फर्स्ट वाला क्या था? S1 plus S2 into S1, ये था 10^-12 है ना, तो यहाँ पर S2 अगर सर मतलब S1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा? 2S या फिर ये हो गया हमारे पास 3S2 6S2 square is equal to 10^-12 है ना, तो यहाँ से S2 क्या आ जाएगा? S2 आ जाएगा 1/√6 into 10^-6, क्लियर है क्या सबको? ठीक है, सो दिस इज S2, तो ये S2 आ गया था, S1 क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, है ना? S1 यहाँ से देखो क्या, इट इज 2 × S2, तो ये क्या हो गया? डबल हो गया ना, मीन्स 2/√6 इंटू 10^-6 मोलार। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप से ही हमने S1 और S2 निकाली, और S1 और S2 जो है यही है दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ओके चले आगे।
लिखना बाकी है, ठीक है चलो ये वाला लिख लो पहले। हो गया? हाँ सर। यस सर। हो गया क्या? ओके सो अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर। तो जैसा हमने बताया कि यार इस टाइप के सॉल्ट जो है पीपीटी बना सकते हैं प्रेसिपिटेट। तो नेक्स्ट वही हम चेक करेंगे कि प्रेसिपिटेट कब बनेगा। ओके तो यहां पर इसके लिए हम यूज करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट जिसको हम Q लिख सकते हैं या QSP लिख सकते हैं। तो देखो तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्वोशेंट पढ़ा था क्या? रिएक्शन क्वोशेंट जो है वो क्या होता था? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही होता था ना। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पर्टिकुलर रिएक्शन का फिक्स होता है, रिएक्शन क्वोशेंट चेंज हो सकता है ना, वैसा ही कुछ ही है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है सिमिलर टू केएसपी होगा। ओके एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू केएसपी। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे आयंस का वो जरूरी नहीं है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही हो, वो किसी भी पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। ओके सो एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू केएसपी बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओके वो जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले ही कॉन्सेंट्रेशन। जैसे AXBY वाला मान लो सॉल्ट है हमारे पास, ये आयनाइज हुआ और ये हमें दिया ए वाई पॉजिटिव आयन एंड बी एक्स नेगेटिव आयन एंड ऑब्वियसली बैलेंस करने पर ऐसा कुछ आया। तो इसका जो क्यू है इसका एक्सप्रेशन भी क्या होगा? वही होगा ए वाई पॉजिटिव रेस टू एक्स एंड बी एक्स नेगेटिव रेस टू वाई। ठीक है।
ठीक है, तो एक्सप्रेशन वही लेकिन देखो KSP जो है प्रेशर के, तो KSP को कंपेयर करके हम बताएंगे कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी या फिर PPT बनेगा या नहीं बनेगा। ओके तो लिखो ये, फिर आगे चलते। हो गया क्या? Yes, sir. तो यार देखो क्यू लेस देन K जब होता था तो फॉरवर्ड जाती थी या बैकवर्ड? अगर क्यू लेस देन K होता था, क्यू लेस देन K पर रिएक्शन फॉरवर्ड होती या बैकवर्ड होती थी? क्यू लेस देन K पर रिएक्शन फॉरवर्ड होती थी। ओके तो यहाँ पर भी वैसा ही है, अगर क्यू लेस देन K होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इसका मतलब हमारे पास और आयंस आ सकते हैं। ओके तो ऑब्वियसली कोई PPT नहीं बनेगा। तो इफ क्यू इज लेस देन KSP, क्यू और KSP को कंपेयर करो, इफ क्यू इज लेस देन KSP देन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे उसे। ओके उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसमें और सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है फिर भी PPT नहीं बनेगा। ओके तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्ट कैन बी एडेड। अगर Q इक्वल टू KSP आ गया तो
हेलो आवाज आ रही है? ओके ओके, सो हम बात कर रहे थे क्यू और केएसपी को कंपेयर करके। तो फर्स्ट हमने बताया था कि क्यू लेस देन केएसपी, तो रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड ना। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनता है और एक्स्ट्रा सॉल्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, मोर सॉल्ट कैन बी ऐड। अगर Q इज इक्वल टू के एस पी आ गया, सैचुरेटेड हमारे पास होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेलो, क्लियर है क्या आवाज यार? ओके, सो हम क्या बोल रहे थे कि इफ, फिर से लिखना पड़ेगा यार, वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इफ क्यू इज लेस देन केएसपी देन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और यहां पर क्या था, मोर सॉल्ट कैन बी एडेड। अगर क्यू इज इक्वल टू के एस पी होता है, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर Q ग्रेटर देन KSP हो गया तो रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी ना। तो अगर बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा यार। सॉल्यूशन में अगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीपीटी बन जाएगा। ओके, तो पीपीटी बनने का कंडीशन क्या है, यही है। अगर Q ग्रेटर देन KSP हो जाता है तो ऐसे केस में क्या है, पीपीटी बनेगा। क्लियर है सभी को?
ठीक है, तो तुम्हें यही कंडीशन चेक करनी है कि क्यू ग्रेटर एन के एस पी तो नहीं हो गया किसी केस में। अगर क्यू ग्रेटर एन के एस पी हो गया मतलब पीपीटी बनेगा। पीपीटी कब नहीं बनेगा? जब क्यू लेस देन या फिर इक्वल टू क्या हो? के एस पी हो। ओके, तो लिखो ये, फिर इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। हो गया ना? ओके, तो अब देखो क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो पेज नंबर 108 पर क्वेश्चन नंबर 40। पेज नंबर 108 पर क्वेश्चन नंबर 40 है। काफी लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है तो मैं लिख देता हूं। तो पूछा है कि किस केस में पीपीटी बनेगा। ओके, द प्रेसिपिटेट या द पीपीटी ऑफ Ag2CrO4 when equal volume of the following is mixed। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दिया। अच्छा, KSP जो है, मैं क्या दिया यहां पर, एसपी जो है ये दिया 9 × 10⁻¹². ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एजी पॉजिटिव इज 10⁻¹⁵ एंड CrO42 नेगेटिव दिया 10⁻³⁻ सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास है 10⁻¹⁵ एजी पॉजिटिव एंड 10⁻²⁻ CrO42 नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन में है 10⁻⁴⁻ एजी पॉजिटिव एंड 10⁻²⁻ CrO42 नेगेटिव। देन फोर्थ ऑप्शन में है 10⁻⁷⁷ एजी पॉजिटिव एंड 10⁻³⁻ मोलार CrO42 नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ वाले में दोनों 10⁻⁴ है, तो आई थिंक फोर्थ वाला तो आंसर, फिफ्थ वाला आंसर वैसे भी शायद नहीं होगा, बट एक बार चेक कर लो। ठीक है, कौन सा होगा? लास्ट वाला है 10⁻⁴⁻⁴।
आया किसी का? थर्ड वाला? यस, थर्ड वाला करेक्ट है. देखो फर्स्ट वाले में देखते हैं यार क्या मतलब क्यों क्या है और पीपीटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो फर्स्ट वाले में अब देखो एक और चीज है, यहाँ पर कई बार क्या है मिस्टेक कर देते हैं काफी स्टूडेंट. उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया, दोनों इक्वल वॉल्यूम के सॉल्यूशन, एजी पॉजिटिव का एक सॉल्यूशन है, एक CrO4 2 नेगेटिव का है, और दोनों इक्वल वॉल्यूम के हैं. तो हम जो ये क्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, वो किसकी होनी चाहिए? जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, है ना. जिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में दोनों आयन अवेलेबल होंगे वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हमें देखनी. क्या ये मिक्स करने पर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसमें भी सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी क्या इनकी? मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में एजी पॉजिटिव और CrO4 2 नेगेटिव का सेम रहेगा कॉन्सेंट्रेशन या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. देखो दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है तो मोल्स तो एज इट इज रहे, मतलब हम फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में जैसे मान लो देखते हैं ठीक है, तो एजी पॉजिटिव के इतने मोल्स है एंड इतने मोल्स, मतलब ऑब्वियसली कुछ 1 लीटर अगर मान लो दोनों का ले लिया तो ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे? CrO4 2 नेगेटिव के मोल्स, है ना. तो मोल्स तो फिक्स रहे लेकिन वॉल्यूम को डबल कर दिया ना. तो वॉल्यूम डबल हो गया इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी क्या? इक्वल वॉल्यूम के दो सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, पता है. तो एक्चुअल में फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है उसको जब मिक्स करेंगे मतलब एजी पॉजिटिव और CrO4 2 नेगेटिव वाले को, तो एजी पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वो 10⁻⁵ नहीं रहेगा, वो 10⁻⁵/2 होगा ठीक है. सिमिलरली CrO4 2 नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? वो 10⁻⁻³/2 होगा. ओके, तो व्हाट इज क्यू यार? क्यू अपने पास होगा एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CrO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ठीक है. अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट इज 10⁻⁵/2 का स्क्वायर हो गया एंड 10⁻³/2, तो ये क्या हो गया? दिस इज 1/8 इंटू 10⁻³/13 है ना, ये आएगा ना. yes. तो वैल्यू है यार ये KSP से तो बड़ी है कि छोटी है? छोटी है ना, है ना. ठीक है, तो छोटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पीपीटी नहीं बनेगा ठीक है, नो पीपी. क्लियर है क्या? yes. अगर सेम चीज को हम सेकंड वाले में करेंगे तो सेकंड वाले में क्या आएगा? इजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन यार, तो सेकंड वाले में 10⁻⁵/2 हो गया फर्स्ट वाला, तो है ना एजी पॉजिटिव हो गया 10⁻⁵/2 एंड CrO4 2 नेगेटिव क्या हो गया 10⁻⁻²/2. तो क्यों क्या आएगा? इट इज एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CrO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना आया ये? दिस इज 1/8 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया? -10 -12 ठीक है. ऑब्वियसली ये वैल्यू भी KSP से छोटी है, है ना, है कि नहीं. देखो KSP क्या था, 9 × 10⁻², वहां पर 10⁻²² के साथ 9 था और यहाँ पर 10⁻²² के साथ क्या है? 1/8 है ना, तो छोटी वैल्यू है ना. ओके, तो यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं बनेगा. क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? yes. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वाला केस देखें तो उसमें 10⁻⁴ एंड 10⁻⁪ है, तो थर्ड वाले में एजी पॉजिटिव कितना हो गया? ये हो गया 10⁻⁴/2 एंड CrO4 2 नेगेटिव क्या हो गया? इट इज 10⁻²/2. तो क्यों क्या आएगा यार? एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर
इंटू सी आर फोर टू नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना आ गया ये आ गया 10^-10 डिवाइड बाय 8, है ना, जिसको हम अगर देखें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन केएसपी आ रही है ना, आ रही है ना सर, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पीपीटी बन जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या? ठीक है, तो इफ क्यू इज ग्रेटर देन केएसपी देन पीपीटी बनेगा, इफ क्यू इज लेस देन केएसपी देन पीपीटी नहीं बनेगा। ओके लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया, yes, sir. ये वाला भी लिख लो, ओके सो जब भी क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें ये ढंग से पढ़ना है कि यार क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या अलग अलग सॉल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम को तो मिक्स नहीं किया है ना, तो यहाँ पर वही केस है, दो सॉल्यूशन उनके इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है, ठीक है। या दूसरा केस ये हो सकता था कि जो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रहे थे वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में दिया जाता, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स किया इक्वल वॉल्यूम वालों को। ये भी हो सकता था कि जो कॉन्सेंट्रेशन हमें मतलब 1, 2, 3, 4, 5 में दिए ऑप्शन में वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी जाती, तो उस केस में ऑब्वियसली ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, डिवाइड बाय टू वाला। ओके तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है, चले आगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, तो पेज नंबर 109 एंड क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि ऑन एडिंग 0.1 मोलार सॉल्यूशन ईच ऑफ एजी पॉजिटिव, बी ए टू पॉजिटिव, सी ए टू पॉजिटिव इन एन ए टू एसओ फोर सॉल्यूशन स्पेसिस फर्स्ट प्रेसिपिटेटेड एज, तो हमें ऑप्शन में दिया है एजी टू एसओ फोर, बी एसओ फोर, थर्ड है
CSO4 एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो हमें यहां पर बताना है कि सबसे पहले किसका पीपीटी बनेगा। केएसपी जो है हमें दिया है, इनका केएसपी ऑफ Ag2SO4 दिया है 10^-5, केएसपी ऑफ BSO4 दिया है 10^-11, एंड केएसपी ऑफ CSO4 दिया है 10^-6। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे पहले इसका पीपीटी बनेगा। आ गया आंसर? हाँ सर, ये सेकंड ऑप्शन। अब वन बाय वन देखते हैं कि यार किसका पीपीटी कब बनेगा। ठीक है, तो पीपीटी ऑफ Ag2SO4 कब बनेगा? तो पीपीटी ऑफ Ag2SO4 is formed if उसका Q greater than KSP होगा। तो इसका Q क्या है? इसका Q है Ag positive concentration का square into SO4 2 negative concentration, and ये क्या होना चाहिए? greater than इसका KSP। कितना यार इसका KSP Ag2SO4 का? ये है 10^-5, है ना? तो यहां से देखो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता है, दिया है उन्होंने ऑलरेडी। तो SO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आना चाहिए? इट शुड बी 10^-5 डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्वेश्चन में? 0.1 बोला रहे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा? 10^-5 आ जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज नीचे वाला वैल्यू क्या है? 1 है ना? 0.1 है, कितना है? 0.1 है। सो नीचे वाला वैल्यू हो गया 0.1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आया? ये आ गया 10^-3, है ना? तो Ag2SO4 का पीपीटी बनने के लिए SO4 2 नेगेटिव का कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? यार 10^-3 मोलार से ज्यादा होना है। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसी टाइप से पीपीटी ऑफ नेक्स्ट वाला क्या है?
नेक्स्ट वाला ऑप्शन है BaSO4, ठीक है. सो पीपीटी ऑफ BaSO4 इज फॉर्म इफ इसका क्यू मतलब Ba2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 टू नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इसके KSP से. इसका KSP यार कितना दिया है, 10^-11 दिया है. तो यहाँ से अगर हम देखें यार SO4 2 नेगेटिव कितना चाहिए होगा इसके पीपीटी बनाने के लिए, तो इट इज 10^-11 डिवाइड बाय Ba2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. एंड Ba2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 ही दिया है ना क्वेश्चन में, है ना, तीनों का 0.1 बुला रहा है ना. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज 10^-11 डिवाइड बाय 0.1 दैट इज 10^-10 बोला. ओके, तो 10^-10 बोलार से ज्यादा अगर हमारे पास SO4 2 नेगेटिव आया तो किसका पीपीटी बन जाएगा, BaSO4 का बन जाएगा. क्लियर है क्या? तो अब आया हमारे पास CaSO4, ठीक है. तो CaSO4 का अगर हमें पीपीटी बनाना है तो पीपीटी ऑफ CaSO4 इज फॉर उसका क्यू क्या होगा CaSO4 का यार, Ca2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा ना क्यू, ये होना चाहिए ग्रेटर है इसके KSP से. KSP क्या है यार CaSO4 का, 10^-6. तो इट शुड बी ग्रेटर इन 10^-6. तो Ca2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन तो पता है हमें, SO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आना चाहिए, तो इट शुड बी 10^-6 डिवाइड बाय Ca2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. हम बोल सकते 10^-6 डिवाइड बाय 0.1, तो कितना आ गया, 10^-5 मोलार आ गया क्या, ठीक है. तो देखो सबसे पहले अब किसका पीपीटी बनेगा यार, देखो Ag2SO4 का पीपीटी बनाना है तो इतना कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए होगा SO4, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए. BaSO4 का बनाना है तो इससे ज्यादा चाहिए होगा. और CaSO4 का बनाना है तो इतना चाहिए होगा. तो बताओ यार सबसे पहले किसका बन सकता है, बताओ. देखो सबसे पहले तो BaSO4 का बनेगा ना, क्योंकि BaSO4 के लिए तो इतना ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जस्ट, है ना. मान लो कि हम SO4 2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10^-9 मोलार ले ले, 10^-9 मोलार जो इससे तो बड़ा है ना, है कि नहीं, ठीक है, इससे बड़ा है तो इसका पीपीटी बन जाएगा. लेकिन इन सब से तो छोटा हुआ ना वो, 10^-3 से और 10^-5 से छोटा हुआ ही नहीं, हुआ ना. तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन बताओ क्या होना चाहिए, सबसे पहले किसका पीपीटी, सबसे पहले BaSO4 का पीपीटी, उसके बाद किसका बनेगा यार, Ag2SO4 के लिए तो सबसे ज्यादा SO4 चाहिए ना, CaSO4 के लिए बन जाएगा ना. तो पहले BaSO4 बनेगा, फिर CaSO4 बनेगा, और सबसे पहले सबसे बाद में क्या बनेगा, Ag2SO4. क्लियर है सबको, क्लियर आ गया सबको ये, yes, sir. तो ये हमारे पास हो गया पीपीटी वाला कॉन्सेप्ट कि कब किसका पीपीटी बनता है. ओके, सो दैट्स इट, चैप्टर हो गया कंप्लीट. होमवर्क जो है वो फुल चैप्टर रहेगा. ओके, नाउ यू कैन अटेंड फुल चैप्टर. ओके, पूरा चैप्टर अभी अटेम्प्ट कर सकते हो तुम, PYQB लेवल 1 लेवल 2 भी पूरा चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हो. तो नोट कर लो, देन इसके बाद लेक्चर एंड कर देंगे.
अबे सामान लिख लिया लिख लिया हमारा भी सर सेकंड और थर्ड में कैसे कंपेयर किया सेकंड और थर्ड में हाँ सर देखो DSO4 का कब बनेगा पीपीटी जब इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉरी CSO4 का कब बनेगा जब इससे ज्यादा आएगा है ना और BSO4 का कब बनेगा जब इससे ज्यादा आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर तुम 10^-9 मोलार ले लो तुमने मान लो SO4 नेगेटिव 10^-9 मोलार ऐड किया तो इससे तो ज्यादा ऐड कर दिया ना तो इसका पीपीटी तो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए बनना चाहिए ना 10^-9 बोला ऐड कर दोगे तो लेकिन यार इससे छोटा है वो इससे छोटा है ना 10^-9 बोला तो इसका पीपीटी नहीं बनेगा ओके तो सबसे पहले मतलब सबसे कम SO4 किस में चाहिए सबसे कम SO4 तुम देखोगे तो BSO4 में चाहिए पीपीटी बनाने के लिए तो सबसे ज्यादा SO4 चाहिए CSO4 में और सबसे ज्यादा SO4 चाहिए Ag2SO4 में ओके होमवर्क फुल चैप्टर रहेगा कंप्लीट कर लेना हाँ बोलो कुछ डाउट है क्या होमवर्क कब डिस्कस करोगे आप होमवर्क अगर नेक्स्ट लेक्चर में तुम कंप्लीट कर लोगे तो डिस्कस कर लेंगे ठीक है ओके तो चलो लेक्चर एंड करते हैं।